साहब ढोलक बार होइए गवैया बदल गए और गाने वाले अच्छे हो तो ढोलक वालों में जान आ ही जाती है खुद। हाँ बेटा, अरे हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे ना, कि हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल हमें ना साथ करोगे, और दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। मां साहब कंसरो हेरो तो रहे, दिल फिर भी इस दर्द की जंजीर से आजाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। अब गीत सुनिएगा, प्रभु राम रावण पे बार बार तीर चला रहे हैं लेकिन रावण मर ही नहीं रहा है, मर ही नहीं रहा है। राम ने विभीषण से कहा कि ये कैसे मरेगा, कि ये तुम्हारे इन तीरों से नहीं मरेगा, क्योंकि काल बंधौजा की पार्टी थे, काल बंधौजा की पार्टी से एक बार राजा रघु ने अपना तीर चलाया था रावण पे, बड़ी लंबी कहानी है वो। राजा रघु बैठ के तपस्या कर रहे थे, एक शेर एक गैया को मारने के लिए झपटा, तो राजा रघु ने एक तिनका उठा करके चीर दिया तो शेर चिरके मर गया। रावण इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था, रावण ने विचार किया कि ये तो बड़ा सूरमा है, इससे तो दो दो हाथ होने चाहिए। तो रावण ने राजा रघु को ललकारा तो राजा रघु ने अपना एक तीर उस रावण के पीछे छोड़ दिया। जिधर को रावण जाता है वो तीर उसके पीछे पीछे ही जाता है। दुनिया में भागा ढोला रावण, अंत में शंकर जी ने बताया कि छत्री का तीर है, औरत व्यवहार नहीं करेगा, तुम मंदोदरी की आड़ ले ले। तो मंदोदरी ने आड़ दी और रावण मंदोदरी के पीछे छुप गया, तो मंदोदरी ने अपना पल्लू कर दिया, तो राजा रघु का वो तीर उस मंदोदरी की झोर में आकर के गिर गया, तो उस तीर को उस पाटी से बांध दिया और वही तीर उस रावण का काल बना था, इसीलिए कहते हैं काल बंधौबा की पाटी थे। क्या बात है। तो विभीषण ने कहा कि उस काल को लाओ वहां से और उसी तीर को इसकी नाभि पे चलाओगे तो ये मरेगा। तो हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके और मंदोदरी के पास पहुंचे, तो मंदोदरी ने देखा पहचान गई, साधु का रूप धर लिया, लगा लिया हनुमान और छल करने तुम आ गए पवन पुत्र हनुमान। अरे साधु का रूप धर लिया, लगा लिया हनुमान, छल करने तुम आ गए हो पवन पुत्र हनुमान। हम जानते हैं, मंदोदरी कह रही है, अरे हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, अरे हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, तीर ले जाओगे धोखा इसके बाद करोगे और मेरी मांग उजारोगे, मेरी मांग उजारोगे हमें बर्बाद करोगे। लेकिन फिर भी हमें पता है कि यही तीर मेरे पति का काल है, अरे मेरी मांग उजारोगे हमें बर्बाद करोगे और हम फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, हम फिर भी तुम्हें देते हैं।
तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। अब दूसरी कहानी, आकाश में काले बादल और नन्नी नन्नी धूप, और राजा बलि के द्वारे आ गए धर के बामन रूप, बलि के द्वारे आ गए बामन रूप। राजा राजा बलि के दरवाजे पर आ गए बामन अंगुल के बन के और कहा, तेरा बहुत नाम सुना है मैंने, तेरा बहुत नाम सुना है मैंने, तू दानी बड़ा महान, मैं तो तुझसे मांगता तीन पग भूमि दे दे दान। शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि ये कोई बामन अंगुल का कोई बच्चा नहीं है, ये स्वयं नारायण है। बलि से भी कहा कि ये भगवान है, ये भगवान है, बलि से भी कहा, लेकिन बलि ने फिर भी कह दिया कि जाओ, अरे मांगने तो आयो, हम जानते हैं तुम, अरे हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, तीन पग भूमि मांगी क्या इमदाद करोगे, और हर लोक नाप दिया, हर लोक नापा धोखा इसके बाद करोगे, और हम फिर भी सब लोक नापे धोखा इसके बाद करोगे, और हम फिर भी तुम्हें दोगे क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, हम फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। और तीसरी बात, पूरे गीत में क्या चल रहा है, हम पहचान तो गए कि तुम कौन हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें दे रहे हैं क्या याद करोगे। और तीसरी बात, जरा सिंध के द्वार पे पहुंचे हैं कृष्ण भगवान, भीम कोले संग में, अरे भीम कोले संग में लेंगे जरा सिंध की जान, अरे द्वार पे वो खड़े हैं एक वीर जांचते, और सोना चांदी कुछ नहीं हम द्वंद्व युद्ध मांगते। जरासंध पहचान गया कि तुम कौन हो और ये कौन है, कन्हैया तो नहीं मार सकते इसलिए भीम को लाए हो। अरे हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, आज मेरा अंतिम दिन आया है क्या इमदाद करोगे, द्वंद्व युद्ध मांगते हो धोखा इसके बाद करोगे, और हम फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, ललुआ भैया। रसियाबाजी में एक बात और होती है, हमारे कुछ शिष्य आके कहते हैं गोपाल जी एक गीत दे दो, ले जा भैया। अच्छा मेरा भाव कुछ अलग तरीके का है और रसिया वालों की शायद तरह नहीं है, मेरा भाव अलग तरीके का है औरों का अलग तरीके का है, कुछ तो अंतर है हमें, ले जा भैया। अब गीत तो ले जाते हैं, उसके बाद फिर जब कभी कंपटीशन होता है तो मेरा गीत मेरे ही सामने गवता है, यही चल रहा है भैया। और ऐसा भी होता है कछु कलाकार तो भैया अबे गुरु की छाप काट देता है, चलो दूसरे अखाड़ी काट रहे हैं, वो बात अलग है, गुरु के क्या काट रहे हो यार, गुरु के तो वायदा लगाओ। आइए तीसरी कहानी, अरे बारा बन के आ गए और बगिया उजार दई, अरे बारा बन के आ गए और बगिया उजार दई, राजा ने ना पहचाना ना उनमें मार दई,
और सुबह का वक्त हुआ राजा तो बागों में आए और एक साधु उस बगिया में तब बैठे पाए। साधु ने मांगा क्या? अरे हरिश्चंद्र तुम राजा हो, अरे मैंने सब मानी, फेंटा कटारी मुझे दे दो, अरे फेंटा कचारी मुझे दे दो, तुम बहुत बड़े हो दानी, अरे फेंटा कटारी मुझे दे दो, तुम बहुत बड़े हो दानी, फेंटा कटारी मुझे दे दो, तुम बहुत बड़े दानी, फेंटा कटारी सर का मुकुट दे दिया हरिश्चंद्र ने बातों में आके, क्योंकि मांगा था तो दे दिया। उसके बाद एक लंगड़ और डाल दिया और जब वो लंगड़ डाला तो हरिश्चंद्र पहचान गए, कौन सा लंगड़? दक्षिणा तुम्हें अब देनी पड़ेगी, क्योंकि दान के बाद दक्षिणा दी जाती है, संकल्प किया जाता है। अरे दक्षिणा तुमको देनी पड़ेगी, कम ना होना है, और दक्षिणा में देना तुमको 60 भार सोना है, दक्षिणा में तुम्हें 60 भार सोना है। तो हरिश्चंद्र ने कह दिया जाओ। अरे हम जानते हैं, अरे हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, अरे हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, और हम तीनों बिक जाएंगे क्या इमदाद करोगे, और हम कर्ज चुका देंगे क्या हमें बर्बाद करोगे, बिक जाएंगे फिर भी, बिक जाएंगे तीनों फिर भी, हम कर्ज चुका देंगे तुम क्या इमदाद करोगे, और हम फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। आइएगा, उधर से दंगल की शुरुआत हुई थी और इसी जगह पर आज का ये कार्यक्रम मेरी तरफ से संपन्न होता है, और रात भर में कोई गलती मुझ पर हुई हो जाने अनजाने में बच्चों के प्रति, तो मैं सभी से क्षमा याचना करता हूँ। और एक बार मेरे साथ बोलेंगे, माता जी के नाम से दूर होए सब है, एक बार से मिल लो ये खेरे वाली मैया की जय। और मेरा एक निवेदन है सभी से, और YouTube के जरिए भी, उन अखाड़ों को बढ़ावा ज्यादा दें जो नए हैं।